मैं पुष्पेंद्र सिंह आप मन ले चला था छत्तीसगढ़ के एक ऐसे सुखर इलाका में जहाँ पर बहुत अगन प्रतिभा जन्म ले है। और छत्तीसगढ़ के वो इलाका है भानुप्रतापपुर। भानुप्रतापपुर में एक बहुत ही महान हस्ती जन्म ले से, वो जन्म के बाद वो वहाँ कार्य करे है बहुत अगन स्कूल में शिक्षा लेके, ओकर बाद पढ़ाई लिखाई करे के बाद बम्बई में चल दी से, और बम्बई से फिर हमारे छत्तीसगढ़ भुइया में आके अपन काम बूता करी से। और ये काम बूता करत करत आज हमारा ओला अपन फिल्म के दुनिया ला दुनिया के भीष्म पिता मानथन हमर सतीश जैन साहब। मैं आप सब जन के मुलाकात करवाता हूँ सतीश जैन साहब से, हमारे संग में बैठे है सतीश भैया। और आज हम कोट बात थोड़े से अलग करबो, काबर के हर एक जन वैसे ही क्वेश्चन करते जैसे ते कैसे करीस, ते ऐसे करीस कि ते वैसे करीस, तो वो क्वेश्चन ला भी करबो, लेकिन ऊपर संगे संग में कुछ मजेदार क्वेश्चन भी हुई। आप मन जरा ध्यान दे के सुनो, काबर की एसकेडी फिल्म्स ये ऐसे चैनल है जो सब जन ला लेके आते। और आज पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ के महान फिल्मकार और बहुत ही अच्छा इंसान सतीश जैन साहब से मोर बोर्ड बात चला थे। तो मैं सतीश भैया ने सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सतीश भैया, जन्म में बहुत सारे चीज होते हैं, एक जन्म में आदमी बहुत सारे चीज करते, तो आप मन जे जन्म ले हो तिन काबर ले हो, का करत हो? मैं जन्म में फिल्म बनाया और फिल्म बनाता हूँ। अच्छा। और एक उद्देश्य से जब मालूम था मैं स्कूल में पढ़ा तब से मोर सपना रही कि मैं फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ और फिल्म निर्देशन करूँ, निर्देशक बने का ही सपना रही। अच्छा। वो सपना धीरे धीरे बढ़ते गई, कॉलेज के तो वो बढ़ गई, चल गए हम भाग के मुंबई। अच्छा। नहीं जैसे एक एक हमन भी थिएटर करते रहे, हमन भी और भी काम होता करे, लेकिन आपकी एक जर्नी बहुत अलग है, एक यात्रा जैन है तेन बहुत अलग है, क्योंकि आप पहली फिल्म में जब बम्बई गए हो तो सुने हम कि आप राइटर पहली बने हो। पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बने हत्या फिल्म रिलीज गोविंदा के। अच्छा। उकर गोविंदा के भाई भाई उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर है कीर्ति जी। जी। और कीर्ति जी मोर पहला गुरु है जेकर से मैं फिल्म मेकिंग फिल्म डायरेक्शन सीखा, वो हत्या फिल्म से पर काम सीखा और उकरे साथ रह के सीखा हूं। उकर बाद हत्या करते हत्या हत्या बनी कंप्लीट है, उकर बाद पना मिल गया, मतलब पना में एज ए राइटर काम मिल गया, वो एसोसिएट डायरेक्टर भी रहा। अच्छा। तो पना हिट हो गया, उकर बाद राइटिंग के काम शुरू हो गए। नहीं हम सुने रहे कि आप एक फिल्म पत्रिका में भी काम करते रहे, वो फिल्म पत्रिका के कोनो मजेदार किस्सा भी सुना दे भैया। अच्छा। पत्रिका के नाम रिसे मायापुरी माधुरी माधुरी टाइम्स ऑफ इंडिया के मैगजीन रिसे। सबसे पहले मैं काम हुई करो असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के पहले भी पहले से काम करे हूं मैं माधुरी मैगजीन में, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत प्रतिष्ठित अखबार ग्रुप है, ओकर मैगजीन रिसे माधुरी, माधुरी बहुत फेमस मैगजीन रिसे फिल्म के मैगजीन, ओमे मैं पत्रकारिता करो। मैं जब पत्रकारिता कर रहा हूँ तो मतलब सवाल बहुत अच्छे से तैयार करके जाऊँ, जेकर इंटरव्यू करे जाऊँ जो भी हीरो समय सब हीरो सनी जैकी श्रॉफ अनिल कपूर अमिताभ बच्चन ये सब उस समय बोल बाला नहीं रहती टीना पूनम पत्नी ये सब हीरोइन ही उनको जमाना में, तो एक इंटरव्यू करो मैं तो अच्छा सवाल तैयारी करके जाऊँ। तो इसने एक बार अनिल कपूर के इंटरव्यू करे गए हूँ, तो उस समय और नया नया स्टार बने गई से, तो अपन उनका कार में बैठे हैं जाते हैं ना रास्ता में, मैं सवाल पूछा इंटरव्यू करते हैं पहले मालूम नहीं सही कि चेंबूर के वो झोपड़पट्टी इलाका में ऐसे ना चाल में रहा है अनिल कपूर, तो मैंने पूछा हो ऐसे सुने हो कि आप जो पहले आपके जिंदगी से स्टार बने के पहले आप चेंबूर के चाल में भी रहे हो, तो बोले हाँ रहे हो, तो मैं पूछे बोला कि भाई तुम सुने चाल में तो घर में लेटरिन बाथरूम नहीं रहा है, तो वहाँ कॉमन लेटरिन बाथरूम से बाहर रहते हुए डब्बा लेके हेल्प पड़ रहे, तो वैसे याद रहे कहा बड़ा कि बोले कहा दादूरी से माही पहुंचे माही में बोली कार थी उधर जाओ उधर जाते मैं वो लिख दू जब मैगजीन में वो लिख दू कि मैं अनिल कपूर ये सवाल पूछे ये सवाल के जवाब दे दे के बगैर गुस्सा हो गया बोले कार से उतार दी उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिले से। हमारे एक और प्रश्न कर रहा था काबर की सतीश भैया की जिंदगी में बहुत ऐसे मुकाम आई से जेमा वो ऊपर गए है फिर कहूँ थोड़े बहुत नीचे आए है, मोर कहना है कि एक आदमी के जीवन में जेन उतार चढ़ाव रहे थे तेला कैसे वो संघर्षपूर्ण जिंदगी जी के भी आगू बढ़ते, एक उदाहरण है हमारे सतीश भैया। मैं एक
एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, काबर की भैया आप गोविंदा जैसे स्टार के साथ बहुत अगर काम कर रहे हो, तो गोविंदा आप लग कत का मतलब सतीश जैन माना थ्री से, और आप गोविंदा लग कत का गोविंदा माना थ्री गोविंदा देखो कहा कि कृति जी का असिस्टेंट है, तो गोविंदा के घर रोज जाना पड़े, गोविंदा के घर में रहे कृति जी, तो गोविंदा के घर में रोज जाना पड़े, तो मैं रोज जाऊँ तो गोविंदा पर एक्चुअली मैं फैमिली मेंबर है, भाई के असिस्टेंट रहे हो तो भाई गुरु गुरु मतलब पिता समान हो गए, तो साथ रहे हो काम करे सीख, तो गोविंदा के साथ बहुत फ्रेंडली बना बहुत पिक्चर हिट हुई, तो गोविंदा बहुत खुश हुई, अब बहुत सारा काम पिक्चर में और रिकमेंड कर रहे थे सतीश ले लो राइटर सतीश ले लो, तो ऐसे करते करते बहुत ज्यादातर गोविंदा के पिक्चर में पास आए, बहुत सारा पिक्चर गोविंदा के मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जैन ये कहते कि सतीश जैन साहब गोविंदा असन फिल्म बनाते, गोविंदा जैसे फिल्म बनाते, मोर कहना है कि गोविंदा ला गोविंदा के फिल्म सतीश भैया बनाए, एकर सेती प्रभाव तो एकर ओकर ऊपर है, ओकर नो है एकर ऊपर, मतलब गोविंदा के प्रभाव नहीं है, सतीश भैया के प्रभाव ओकर ऊपर ज्यादा है, काबर की हमन बात करा था छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ी में सबले पहली फिल्म 2001 में सतीश भैया बनाए रही से छैया भुइया, मैं छैया भुइया के पहले कहानी जानना चाहता हूँ भैया, काबर की आप बंबई रहे हो गोविंदा जैसे स्टार के साथ रहे हो, और बाद छत्तीसगढ़ी में काबर सूझ गए एकदम आपला कि आप ये फिल्म और ये कंसेप्ट लेके बना हो? नहीं, मैं डायरेक्टर बनने पर गिरे और बन गिरे राइटर, अच्छा मुझे बिल्कुल पसंद राइटिंग करना, अच्छा मैं लिखो कुछ आओ और वहाँ के जो निर्देशक बने वहाँ कुछ और बना दे, प्रोड्यूसर लोग कुछ अलग कुछ और बना दे, तो जो मुर्ताब है इसकी यार जैसे मैं लिखता हूँ वैसे बनना चाहिए, वो हो नहीं पाते से, अब हिंदी फिल्म में स्ट्रगल करें कि डायरेक्टर बना दो तो समझ इसका राइटर ही नहीं, वो सब राइटर बने डायरेक्टर बने तो फेल हो जाए उनका पिक्चर फ्लॉप हो जाए, तो वहाँ ऐसे बात फैल गई से कि एक राइटर अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सकता, अच्छा है ना, तो मुकेश सेठी को और काम नहीं मिली डायरेक्शन के लिए, अब छटपटा कर डायरेक्शन करे फिल्म के, तब मैं सोचा चल मैं खुद ही बना देता हूँ छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाया कि मैं तमन्ना रही से कब बनाऊँ आगे सोचे, मैं आगे का अभी बना देता हूँ, तो घर वाला में से मदद लेके फाइनेंशियल थोड़ा बहुत मोर बाप पैसा दी, थोड़ा भाई से लेके हो थोड़ा माँ से ले थोड़ा बहनी से मांगे हो माँ बाप से मांगे हो रिश्तेदार में से मांगे ना मांग मांग के हम पिक्चर बना रहे पिक्चर बना रहे मोर छैया भैया, और मोर छैया भैया विश्व में रिकॉर्ड बनाई से काबर की 105 दिन 5 शो में एक ही थिएटर में ये फिल्म चले रही से, जेन रिकॉर्ड ला अभी तक कोनो नहीं तोड़े है, और मुला लगत नहीं है कि ये दुनिया राहत ले अभी कोनो तोड़ी, एकर सेती सतीश भैया ला हम सब जन प्रणाम करथन, हमर इंडस्ट्री के विश्व पिता माँ ऐसने नहीं कहतन वो है करके कहते, और सतीश भैया जेन फिल्म आप बनाए हो छैया भुइया, छैया भुइया के संगे संग का ये सोचे रहे हो कि आगू फिल्म बनाओ या ये फिल्म के बाद फिर बम्बई चल देवो, ऐसे कोनो झटका बीच में लगी सी? नहीं 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 मैं बम्बई आके सोचे नहीं, और छैया भुइया लाना सूरज बढ़ जाता करो देखे से, अच्छा सूरज बढ़ जाते जी बहुत बड़े डायरेक्टर है उस समय बड़े डायरेक्टर है सर ओकर राशरी के मालिक है मन राशरी के, तो सूरज बढ़ जाते जी छैया भुइया देखे बोला इस प्रिंट मंगाई बम्बई में हम खुद प्रिंट लेके गए रहे, और प्रिंट ले जाके बोला ओकर प्रीव्यू थिएटर में ओकर राशरी के बिल्डिंग में ओकर प्रीव्यू थिएटर है वहाँ पिक्चर दिखाया ना वाला, वो पिक्चर दो बार देखी तारे बार और देखो बोली से दोबारा देखी देखे एक बार मैंने ऑफर भी करी कि हमारे पास हिंदी फिल्म बना था, तो मैं उस समय जन बोला माँ बाप के प्लानिंग कर डाले, अच्छा और मैं सोच रहे हम छत्तीसगढ़ी बनाबो अपने होम प्रोडक्शन बनाओ और जब सक्षम हो तो एक दिन हिंदी बनाओ, कहा कि मैं सुने रहे हूँ कि राजकुमार बड़जात्या जी हमारे पिताजी हैं स्वर्गीय राजकुमार बड़जात्या जी वो बहुत इंटरफेयर करते हैं दूसरा डायरेक्टर बाहर के डायरेक्टर ऐसे सुने रहे हो, तो मोर हिम्मत नहीं होती थी कि मैं जहाँ इंटरफेयर करते हैं प्रोड्यूसर वहाँ में काम नहीं कर सकता, तो मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म बना बनाते हैं छत्तीसगढ़ के ही होके रह गए, नहीं वैसे होके रह गए नहीं आप तो छत्तीसगढ़िया हो, और छत्तीसगढ़िया होए के कारण ये माटी के में वापिस आके काम कर रहे हो, मतलब एक और प्रश्न है कि जिन आप झन भूलो माँ बाप लगन है वो माँ बाप के बारे में गाना रही से वो कल्पना अपन घर से आई से कि छत्तीसगढ़ के कोनो पृष्ठभूमि में से ली है वो झन भूलो माँ बाप का जो टाइटल सॉन्ग भी जो आप देखो राइटर आदमी हो है ना संवेदनशील भी हो तो मैं देखे हूँ पूरा दुनिया में ऐसे होते है ना बड़े लेकिन बड़े होते हैं काम करे
बाहर जाते हैं मगर बाद धीरे धीरे माँ बाप लोग भूल जाते हैं, साथ में रहते हैं, खटपट होते हैं, फिर माँ बाप लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये तो हर घर के कहानी नहीं है ना, तो हम उम्मीद कहीं से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं, वो हमारे समाज में है, वो तो समाज से मिले हो चीजें, तो वही देख के मैं झन बोला माँ बाप बनाया कि मैं समाज बच्चा मतलब प्रेरित कर कि बुढ़ापा में जिंदगी पर माँ बाप आपके ख्याल रखें, बुढ़ापा में उम्र ख्याल रखो, ये मुद्दा है। ये फिल्म में भैया एक थन सीनरी से जन मेड़ के बीच में जन आपके स्टार अनुज री से अनुज ला कुछ रोक के पानी ला रोक के ऐसे कोई सीनरी से वो सीन मैं सुनत रहा हूँ कि कई जन बोले हैं कि बड़े मुश्किल से हुई से, तो उधर कारण कारी से या आपके कारण वो लेट हुई से या आपके कारण कुछ तकलीफ हुई से कि एक्टर के कारण या परिस्थिति के कारण? नहीं, और मेड में मोला सीन दिखाना नहीं कि खेत के मेड़ा विलेन मन तोड़ देते हैं हीरो के खेत ताकि उनका खेत के पानी बाहर निकल जाए है ना, और एक फसल खराब हो जाए तो ये देखते थे लड़ते हो मतलब तब तक मन फोड़ डाल रही नहीं तो पानी सब बहा गए बहाए बोला रोके वो रोके कोशिश करते मिट्टी उट्टी डाल के नहीं रोक पाए तो खुद ही लेट जाता हूँ पानी रोके ऐसी सीन रही थी। अब समस्या क्या रही थी कि हमारे खेत ला पहले खूब पानी भरे हैं, पहले पानी कम रही से खूब पानी भरे हैं बोरिंग चला, अब जैसे हमन शूटिंग कर रिटेक हुए रात के टाइम में बार बार अनुज लोग पानी चला पर ठंड में काफा दिन घरों ठंड के दिन भी तो वो पानी बाहर फेंका जाए फिर पानी भर फिर पानी बाहर फेंका जाए तो वो बहुत तकलीफ है, वो मिट्टी डाल तो पानी निकल जाए पानी बहा पानी मिट्टी माटी बहा दे तो वो सूट सूट करने से तकलीफ आ जाए लेकिन करें बढ़िया था उस चीज का बहुत पसंद है। जिंदगी में भी एक तरीके से कहना चाहिए कि ऐसे सीन ला देख के मैं भी भावुक हो रहा हूँ। भैया आपकी यात्रा में मैं दूसरे पड़ाव तक लाया हूँ छत्तीसगढ़ की दूसरा फिल्म तक, एक फिल्म रही से माया जे डिजिटल क्रांति की फिल्म है, पहली हमार फिल्म रील पे बनत रही से नेगेटिव पे बनत रही से और ये फिल्म ऐसे रही से जे टीवी पे यानी डिजिटल पे बने रही से, आप लग कतका चेंज लगी से डिजिटल फिल्म और वो नेगेटिव फिल्म में और तकलीफ आप लग ज्यादा रही से कि सुविधा ज्यादा है इसे डिजिटल में सुविधा ज्यादा है। हालांकि डिजिटल फिल्म की शुरुआत दूसरे मन करे थे सुनील रवि अग्रवाल मन करे दो रन रवि अग्रवाल एक मन शुरू करे लेकिन हमारे पीछे पहला हिट फिल्म है डिजिटल जी, तो वो डिजिटल में बनाने में तकलीफ का है जो आसानी का है बहुत आसानी है, नेगेटिव के कास्ट बहुत बढ़ते हैं बात हुई से डिजिटल फिल्म के और एकर संगे संग में सतीश भैया से ये चीज जानना चाहता हूँ कि पहला फिल्म रही से छैया मैया जय मानुज भाई जी से, दूसरा फिल्म रही से झनकुल माँ बाप का जय मानुज भाई जी से, पहला फिल्म के शेखर सोनी हटगिरी से, दूसरा फिल्म में अनुज भाई जी से, फिर तीसरा फिल्म माया में भी अनुज भाई जी से और प्रकाश अवस्थी जुड़ गई से, तो अनुज भाई के साथ तीन फिल्म करे के कारण का रही से और जो करेक्टर है तीनों पिक्चर में जो करेक्टर है वो मैं अनुज के अलावा दूसरे में सोच नहीं सका। और करेक्टर जो चंचल बदमाश शरारती लड़का के रोल है वो अनुज से अच्छा कोई नहीं कर सकता। अनुज भाई के कोई ऐसे घटना इन तीन फिल्म में से जेमा आपला सबसे ज्यादा दिल में छुए हो दिल ल छुए हो मतलब ऐसे लगे सो कि नहीं ये अनुज नाम नहीं अनुज तो कोई ऐसे घटना जब आप लोग बहुत गुस्सा आए वो कर बहुत गए वो कर कारण बहुत है वो कर से खड़ा होता काला काला की नाम होता और मैं आप मतलब ले चलता हूँ एक और फिल्म के तरफ जो सतीश भैया के माया लैंडमार्क फिल्म रही से छत्तीसगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री ना फिर से बनाई रही से और मतलब खड़ा करी से फिर से और एक बाद एक फिल्म आई से जेकर नाम रही से लैला टिक टॉक छेला रूठा छाप हमन पिक्चर लास्ट करने वाला रहता हूँ खत्म ही नहीं होते थे शूटिंग
तो 72 घंटे तक लगातार शूटिंग करे और अनुज 72 घंटे तक शूटिंग करे ऐसे मतलब आप खड़े हो कि वाकई में हुई हकीकत है पूछ लो 72 घंटे लगातार मैं खुद 1972 घंटे तक 72 घंटे तक कोई नहीं सो रही। देखे आप मत के फिल्म बनाए में कत का मेहनत लगते आदमी जिन फिल्म के देख के बोल देते फिल्म में कुछ नहीं है पर वो फिल्म में बनाए में एक्टर डायरेक्टर और बाकी पूरा यूनिट कत का काम करते भैया बताते कि 72 घंटा बगैर सूते एक एक्टर एक सुपरस्टार एक सुपरस्टार डायरेक्टर दोनों जन मिल के काम करते रहे तब जाके छन भूलो माँ बाप ला जैसे फिल्म आप मन के आगू में आयरी से। अब हमन एक फिल्म के बारे में बात करत रहे जेकर नाम है लैला टिप टाप छेला अंगूठा छाप। ये फिल्म में सबसे खराब एक्टर कौन थी से लिया तो अच्छा वाले के सब जानते थे तो से लैला टिप टाप छेला अंगूठा छाप सबसे खराब एक्टर देखे जन रही से वो बाजू बैठे बाकी सब बढ़िया कलर मतलब ये बात की मैं एकर से भी जिक्र कर रहा हूँ कवर की फिल्म लाइन में मैं जब छत्तीसगढ़ी फिल्म करे पर शुरू करे हूँ तो सजीव भैया के माया से मैं भी थोड़े हिट हुए हैं। लैला टिप टाप में हमन काम करे हैं लैला टिप टाप में ये जो किरदार करी थी वो सोचे नहीं रहे हो कि अब का डिफरेंट कर दी अब का जोरदार बना दी वो जो अलग अलग करेक्टर पकड़ी चार डाल वाक वाक सब उसमें अलग पकड़ी वो पिक्चर में दिखो दिखाई देते हो नहीं पर कोई पूछा तो कि सबसे खराब कलाकार यदि मैं हूं तो ऐसे कैसे कर सके खराब एक्टर है अच्छा काम कर दिए। अब हमारे आधन एक और बात के आगमन कावर के सचिव भी है कि एक और चीज है अगर परिवार में अगर बेटा है बेटी है माँ है पिताजी है बीबी है पत्नी है आप अपनी बेटी को या बेटे को फिल्म लाइन में लाओ कि नहीं लाओ पढ़ाई खत्म हो जाएगा उसके बाद मतलब अपन घर तो जाएंगे मैं पूरा यही पूछत रहे हो कि लड़का मन के इच्छा रहते तो कहूं बाप मेरा अड़ंगा तो नहीं बने मेरे बाबा मेरे सपना में अड़ंगा नहीं डाले तो मैं अपने बच्चों के सपने में अड़ंगा एक लास्ट क्वेश्चन ये लंबा क्वेश्चन है बहुत बड़े क्वेश्चन है हर जन पगली हिट कवर होइस ओकर सही सही कारण बताओ एकदम सही कारण बताओ वो हर जन पगली हिट हो गए पहला तो ओकर गाना बहुत शानदार गाना है सुनील सोनी म्यूजिक जो है कमाल का म्यूजिक फिल्म किया हो तो उसका म्यूजिक अच्छा हिट हो गई रिलीज के पहले वाले हो गई जबरदस्त हिट हो गई तभी बोला लगने लग गए इसी की पिक्चर बढ़िया ओपनिंग लगी और पिक्चर बहुत बड़े हिट हो जाएगी। दूसरा का कारण है जब पहले तो गाना हिट हुई तो प्रमोशन अच्छा हो गई तो पब्लिक आई थिएटर में जब पिक्चर में तो पिक्चर में हमारा कहानी भी एक नया कहानी मिली एक फ्रेश कहानी मिली मतलब जो सिक्वेंस सीन कहानी अब नया कहाँ से लगा वही कहानी रहते हैं है ना लेकिन वही कहानी में जो सीन वीन मिली मतलब जो कहानी के बहाव मिली स्क्रीन प्ले जो कथा नाम वो मिली वो बहुत एकदम फ्रेश रही से बिल्कुल नया रही से और कहानी में वो बहुत एंटरटेनमेंट रही पिक्चर में एंटरटेनमेंट बहुत है पिक्चर कहीं रुके नहीं पिक्चर बांध के चलते और एक क्लाइमेक्स मैं आज तक जितना फिल्म बनाया एक क्लाइमेक्स सबसे बेहतरीन क्लाइमेक्स है पूरा इमोशनल पैक्ड क्लाइमेक्स है बहुत सुंदर क्लाइमेक्स तो आज का चीज से पैकेज में मिली से पिक्चर कहीं थोड़ा जैसे आप मन तो जाना था कि अभी भी थिएटर में हंस झन पगली फंस जावे बहुत बहुत अच्छा चलत है हाउस पैक चलत है एकर से थी बता थे लोगन मन की आगे के जेन फिल्म रिसे तेन सब रुक गए कवर की थिएटर नहीं मिला थे हंस झन पगली हर जगह में चलत है। सतीश भैया ये क्वेश्चन इसलिए भी है ये प्रश्न इसलिए भी है कि हम दो इंडस्ट्रियों के बीच में काम करते रहे हैं एक इंडस्ट्री जिसमें आप बीच में गए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री मैं मान सकता हूँ कि आपकी आत्मा छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में होगी और भोजपुरी फिल्म में फिल्म आपकी आत्मा है इसलिए आपने दोनों जगह काम किया लेकिन दोनों जगह में सबसे ज्यादा बेहतर स्वर्णिम आपको क्या लगता है कि भोजपुरी स्वर्णिम है या आपके लिए छत्तीसगढ़ी स्वर्णिम है छत्तीसगढ़ी
क्यों 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 मतलब छत्तीसगढ़ ही क्यों, भोजपुरी में भी तो इतनी हिट फिल्में थी। छत्तीसगढ़ी में क्या है, स्टार सिस्टम है, तगड़ा स्टार सिस्टम भोजपुरी में। हाँ, क्योंकि स्टार बिकते हैं वहाँ। अच्छा, उनकी फिल्में बिकती थी कहो, आए नहीं बिकती थी, अभी से 6-7, 6-8 महीने पहले तक बिकती थी, अब नहीं बिकती। तो वो बिकते थे तो पैसा लगाने वाले आते थे, तो जो स्टार्स थे वो पैसा बहुत मांगते थे। फिर दूसरे उनके ज्यादा पैसा लेके काम करते हैं, प्रोड्यूसर को गरज रहती है उनको साइन करने, गरज का फायदा उठाते थे, अपना स्टेटस का दबाव डालते थे हमारे ऊपर, तो वहाँ एक दबाव में काम करना पड़ता। वो दबाव की वजह से जो हम चाहते थे वैसा बना नहीं पाता था मैं। हालांकि मेरी फिल्में बहुत हिट हुई, वहाँ बहुत सुपर हिट हुई, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक कसक थी कि जो छत्तीसगढ़ी फिल्म करता हूँ यहाँ पर कोई दबाव नहीं, यहाँ स्टार स्टार की तरफ बिहेव नहीं, सब एक्टर की तरफ बिहेव करते, जितने स्टार हैं अरुण है, मन है, प्रकाश है, ये लोग बहुत नॉर्मल एक्टर की तरह ही बिहेव करते हैं, स्टार जैसा बिहेव नहीं करते, उसके जैसे उनके कोई मांग नहीं रहता, उनका कोई डिमांड नहीं रहता। तो यहाँ पर काम करने में ज्यादा मजा आता है, यहाँ पर जैसा मैं चाहता हूँ वैसी फिल्म बना पाता हूँ। तो आप मत देखो भैया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म के एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हमारे छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह फिल्म सिनेमा के, ऊपर से अतका सारे गुड बात हुए है, वहाँ आप लोग काका निकले है, काका बात हुई से आप सब जाना, तो अतके बड़े फिल्मी सफर के बाद हसजन पगली जैसे हिट फिल्म दे और वो चला थे, आगू भी चलिए, हम शुभकामना देते हैं सतीश भैया कि भविष्य में आओ अच्छा बहुत अच्छा काम करे। और सतीश भैया से एक निवेदन है कि हमारे युवा मन जेन अब छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आते ओमन लग कुछ एक संदेश दे दी बस। छत्तीसगढ़ी सिनेमा देखो डेडिकेशन और दीवानगी, जो भी आप काम करो जिंदगी उसके लिए बहुत जरूरी है, और ये मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि डेडिकेशन होगा आपके काम में और आपके काम में दीवानगी होगी, आप जरूर सफल। मैं पुष्पेंद्र सिंह SKD फिल्म की ये प्रोग्राम से अब विदा लेता हूं और फिर आगू मिलवो अपन नया एपिसोड के साथ। जय जवान।